हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल से कई ऐसे पवित्र स्थल हैं, यहाँ लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थल नूरपुर में वार्ड नंबर 5 में स्थित है, जिसे गुप्त गंगा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में शिव के चरणों से गंगा बहती है। इस गंगा में प्राचीन काल से जल बहता आ रहा है, जिसे लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लोग सुबह शाम यहाँ पर सदियों से आ रहे लोगों का इस गुप्त गंगा शिव मंदिर पर अटूट विश्वास और आस्था है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से भगवान शिव मनोकामना करता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। इसीलिए यहाँ पर समय समय पर कई यज्ञ भंडारे भी करवाए जाते हैं। गुप्त गंगा शिव मंदिर में चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, पवित्र जल दिन रात बहता रहता है। हिमाचल प्रेस उत्कली कांगड़ा ब्यूरो से सचिन शर्मा के साथ संजीव महाजन की रिपोर्ट। हाँ जी, हाँ सारे ने यही हो गया देखा जी, भी सारे सियाने ब्याह से भी इतने गंगा बगदी है इनके चरणा पिछे, तो सारा पानी नहीं गंगा बाहर का, ये पानी रात दिन चले रहा है। हाँ जी ठीक है। अंदर है इसमें बड़ी शक्ति है, यहाँ जो भी मांगते हैं लोग पूरी मुरादें पूरी होती हैं। अभी भी थोड़े दिन के बाद फिर जग हो रहा है, जो भी लोगों ने मांगा है वो पूरी श्रद्धा पूरी होती है। यहाँ एक पानी है, गंगा बहती है, ये पानी कभी भी नहीं सूखता, वहाँ पानी बहता रहता है और लोग इसकी बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, लोगों की बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। ये बड़ा पुराना अच्छी मंदिर है। गुप्त गंगा जो है प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पे गुप्त गंगा बहती है, मतलब जहाँ पानी हो या ना हो यहाँ पे मतलब सदा पानी रहता है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, चाहे भाई गर्मियां हो सर्दियां हो पानी इसमें हमेशा रहता है। तो कितना पुराना ये मंदिर है? ये सदियों पुराना है, हमारे माँ बाप का, इनके बुजुर्गों का, बुजुर्गों से परंपरा चलती आई है। इसमें एक ये खासियत है, यहाँ पे पानी खत्म नहीं होता कभी भी।